कहानी की शुरुआत में एक बिलियनियर हॉवर्ड रेड स्टीवंस की मौत के बाद उसके लॉयर टेड हैमिल्टन को दिखाया जाता है। मिस्टर हैमिल्टन रेड की मौत से काफी दुखी थे। वो दोनों बिजनेस पार्टनर के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे। मिस्टर हैमिल्टन अपनी असिस्टेंट मिस हेस्टिंग्स से रेड की फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए कहते हैं। फ्यूनरल में रेड के सभी फैमिली मेंबर्स आते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी उसकी मौत का जरा सा भी दुख नहीं था। हालांकि वो सभी रेड के ट्रस्ट फंड की बदौलत अमीरों वाली जिंदगी जी रहे थे। वो सब तो बस रेड की आखिरी वसीयत को सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिससे उन्हें पता लग सके कि उसकी $1 बिलियन कंपनी और प्रॉपर्टी में से उन्हें कितना हिस्सा मिला है। तभी यहाँ पर तेज म्यूजिक के साथ एक कार आकर रुकती है और इसमें से रेड का ग्रैंडसन जेसन ब्लैक सनग्लासेस के साथ सिगरेट पीता हुआ बाहर निकलता है। फ्यूनरल के बाद मिस्टर हैमिल्टन सबको एक रूम में इकट्ठा करते हैं और रेड की मौत पर अपना दुख जाहिर करने लगते हैं, लेकिन रेड का बड़ा बेटा उसे बीच में ही टोक देता है और जल्दी से अपने फादर की वसीयत पढ़ने को कहता है। रेड का बड़ा बेटा होने के नाते उसे पूरा यकीन था कि उसके हिस्से में रेड की $600 मिलियन की कंपनी आने वाली है, इसलिए वो और उसके परिवार वाले वसीयत सुनने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। मिस्टर हैमिल्टन उसे वसीयत पढ़कर सुनाते हैं, जिसमें लिखा था कि उसके फादर के जिंदा रहते उसने कंपनी के काम में कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए उसे रेड की प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही वसीयत सुनने के बाद उसे तुरंत रूम से बाहर निकलने को कहा जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रेड के दूसरे बेटे को भी उसकी वसीयत में से कुछ नहीं मिलता और वो भी चिल्लाता हुआ यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जैसन की माँ का नंबर आता है, जो रेड के तीसरे बेटे की विधवा है, लेकिन जैसन के फादर की मौत के बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी। रेड की वसीयत के मुताबिक उसे वो बंगला मिलता है जिसमें वो अभी तक रह रही थी। इसके अलावा उसके जिंदगी भर के खर्चों के लिए एक ट्रस्ट का पैसा उसे मिलता रहेगा, लेकिन इस बंगले और ट्रस्ट का कंट्रोल मिस्टर हैमिल्टन के पास ही रहेगा। अब जैसन भी अपनी माँ के साथ यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर हैमिल्टन उसे उसका नाम लेकर बुलाते हैं और बताते हैं कि वसीयत में उसके लिए भी कुछ है। जैसन को पूरा यकीन था कि वसीयत में उसके लिए कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब मिस्टर हैमिल्टन उसे एक बॉक्स दिखाते हैं तो वो जानने के लिए क्यूरियस हो जाता है कि उसके ग्रैंडफादर ने आखिर उसके लिए क्या छोड़ा है। मिस्टर हैमिल्टन एक लिफाफे की सील खोलकर उसमें से एक चाबी निकालते हैं और इस चाबी से उस बॉक्स को खोलकर उसमें से एक सीडी निकालकर उसे चलवाते हैं। अब रेड की एक वीडियो रिकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाती है। इस वीडियो में रेड कहते हैं कि मुझे लगता है मेरी पूरी जिंदगी में मेरी वजह से सबसे ज्यादा दिल जैसन का दुखा है, इसलिए उन्होंने उसके लिए कुछ गिफ्ट देने का फैसला किया है, लेकिन हर गिफ्ट के लिए उसे एक टेस्ट देना होगा। आखिर में वो कहते हैं कि इन टेस्ट में उसके पास या फेल होने का फैसला मिस्टर हैमिल्टन के हाथ में रहेगा। अब उसके पहले गिफ्ट के लिए उसे अगले दिन सुबह 7 बजे की फ्लाइट से टेक्सास जाने के लिए कहा जाता है। वो जब पूछता है कि वहाँ जाके क्या होगा, तो उसे बताया जाता है कि वहाँ पहुँचकर सब पता चल जाएगा। अगले दिन एयरपोर्ट पर वो बिगड़े शहजादे की तरह एंट्री करता है और मिस हेस्टिंग्स से टिकट लेकर प्लेन की फर्स्ट क्लास सीट पर जाकर बैठ जाता है। एयर होस्टेस जब उसे बताता है कि उसका टिकट इकोनॉमी क्लास का है, तो उसे यकीन नहीं होता। वो एयर होस्टेस से कहता है कि जानते हो मैं कौन हूँ, लेकिन यहाँ उसकी कोई बात नहीं चलती, उसे इकोनॉमी क्लास में बैठकर ही जाना पड़ता है। टेक्सास पहुंचकर वो एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हो जाता है। तभी एक आदमी उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि अपनी पूरी जिंदगी में तुमने एक भी दिन काम नहीं किया होगा। वो उसका बैग ले जाकर अपनी गाड़ी में डालता है और अपना नाम कस बताता है। वो कहता है कि मैं ही तुम्हें लेने आया हूँ। रास्ते में वो जैसन से उसके ग्रैंडफादर रेड के बारे में बातें करता है कि उन्हें मेहनत करना कितना पसंद था। पहले जैसन उसे कोई ड्राइवर समझ रहा था, लेकिन जब वो बताता है कि गाड़ी पिछले आधे घंटे से उसकी प्रॉपर्टी में चल रही है, तो जैसन चौंक जाता है, क्योंकि वो कोई ड्राइवर नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर रेड का एक दोस्त था। जब वो उसके घर पहुंचते हैं तो गस जैसन से कहता है कि ब्रेकफास्ट सुबह 5 बजे होगा, लेकिन जैसन तो यहाँ गिफ्ट लेने आया था। जब वो उससे गिफ्ट के बारे में पूछता है तो गस हंसता हुआ अंदर चला जाता है। सुबह को जैसन जब 5 बजे के बाद भी नहीं उठता, तो गस उसे करंट देकर उठाता है और अपने साथ खेतों पर ले जाता है, जहां उसे वो लकड़ी के लट्ठे गाड़ने का काम देकर वापस चला जाता है। लेकिन घमंड में चूर जैसन ये काम कहां करने वाला था। वो पूरा दिन आराम करता रहता है और बार बार फोन के सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता रहता है, जिससे वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सके। अगले दिन वो दोनों फिर से खेतों पर जाते हैं और आज जैसन 4-5 लट्ठे गाड़ता है, लेकिन सारे लट्ठे टेढ़े मेढ़े होते हैं, इसलिए गस उन सारे लट्ठों को अपनी गाड़ी से गिरा देता है। अब शाम को जैसन के फोन के सिग्नल आ जाते हैं और आज वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है। उससे बात करते हुए अचानक उसकी समझ में आता है कि शायद यही वो काम है जिसे पूरा करके उसे वो गिफ्ट मिलेगा। ये सोचकर उसके अंदर नया जोश भर जाता है और अगले दिन वो सबसे पहले उठकर नाश्ता कर लेता है। इसके बाद वो पूरी मेहनत से काम में लग जाता है और इस बार वो सारे लट्ठे सीधी लाइन में गाड़ता है। इस तरह जैसन पूरे 1 महीने तक बिना किसी गड़बड़ी के काम करता रहता है और अब उसे इस काम में मजा आने लगता है।
गस उसे काम करता देखकर काफी खुश होता है और अब वो ये काम किसी और को देखकर उसे अपने साथ एयरपोर्ट ले जाता है। यहाँ वो जेसन से कहता है कि लगातार 1 महीने तक ये काम करके उसने साबित कर दिया है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। एक बार फिर से जैसन उससे गिफ्ट के बारे में पूछता है, लेकिन गस फिर से हंसता हुआ वहां से चला जाता है। अब जैसन हैमिल्टन के ऑफिस जाकर गुस्से में कहता है कि उससे 1 महीने तक मजदूरों की तरह काम करवाया और तुम इसे गिफ्ट कहते हो। मिस्टर हैमिल्टन मुस्कुराते हुए उसे बधाई देते हैं और कहते हैं कि ये मेहनत का गिफ्ट था। वो उसे बताते हैं कि अभी उसके लिए और कई सारे गिफ्ट बचे हैं और अगर वो अगले गिफ्ट के बारे में जानना चाहता है तो कल उनसे आकर मिले। जैसन इससे चिढ़ जाता है और मिस्टर हैमिल्टन से बहस करने लगता है। वो कहता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसके लिए जितने भी पैसे छोड़े हैं वो सब उसे अभी मिलने चाहिए क्योंकि इस सब नाटक से वो तंग आ चुका है। लेकिन मिस्टर हैमिल्टन उसे बिना कोई जवाब दिए वहां से चले जाते हैं। जैसन जब अपने अपार्टमेंट में वापस आता है तो देखता है कि वहां से सारा सामान गायब था और उतनी देर में बाहर खड़ी उसकी कार भी कोई ले जाता है। अब जैसन वापस मिस्टर हैमिल्टन के ऑफिस में आता है जहाँ वो उसे रेड की अगली रिकॉर्डिंग चला के दिखाते हैं। इस रिकॉर्डिंग में वो उससे कहते हैं कि उसने अभी तक अपनी जिंदगी पार्टी करने और दोस्तों और लड़कियों के ऊपर पैसे उड़ाने में गुजारी है। अब देखते हैं कि कौन उसका सच्चा दोस्त है और जैसन का अगला टेस्ट भी यही होता है। उसे महीने के आखिर में एक सच्चे दोस्त के साथ वापस लौटना होगा। अब जैसन अपनी गर्लफ्रेंड को एक शानदार प्लेस में ले जाकर वहाँ की सबसे महंगी शैंपेन खुलवाता है और पेमेंट के लिए अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है। वो उससे झूठ बोलता है कि उसके अपार्टमेंट में कुछ दिन के लिए काम चल रहा है, इसलिए वो उससे कुछ दिन उसके अपार्टमेंट में रुकने के लिए पूछता है। तभी वेटर उसे बताता है कि उसके क्रेडिट कार्ड में कोई पैसा नहीं है। पहले तो जैसन को यकीन नहीं होता, लेकिन जल्दी ही वो समझ जाता है कि ये सब मिस्टर हैमिल्टन ने किया है और ये उसके टेस्ट का ही एक हिस्सा है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से एक और झूठ बोलता है कि वो अपने अकाउंट्स दूसरी बैंक में ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से फिलहाल उसके पास पैसे नहीं है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि क्या वो आज का बिल पे कर सकती है। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड रोना शुरू कर देती है और उसे सिर्फ इतना कहती है, तुम उससे बिल पे करने के लिए बोल रहे हो। जैसन का मुंह देखने लायक था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ऐसी सिचुएशन में भी उसे छोड़कर चली जाती है। जैसे तैसे जैसन वहां से निकलकर अपने सभी दोस्तों के पास फोन करके हेल्प मांगता है, जिनके ऊपर वो तमाम पैसा उड़ाता था, लेकिन उसका एक भी दोस्त उसकी कोई हेल्प नहीं करता। यहाँ तक कि कोई उसे अपने यहाँ रात गुजारने तक के लिए हामी नहीं भरता। अब जैसन को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना फोन जमीन पर मारकर तोड़ देता है। आखिर में वो अपनी मॉम के घर जाता है, लेकिन उसकी मॉम उसे दरवाजे के बाहर ही रोक देती है। जैसन हैरान होकर उसे देखता है, लेकिन वो कहती है कि अगर उसने जैसन की मदद की तो उसे रहने के लिए जो घर मिला हुआ है और खर्चे के लिए जो खूब सारा पैसा आता है वो सब उससे छीन लिया जाएगा और वो भी उसी की तरह सड़कों पर आ जाएगी। जैसन कहता है कि आखिर वो उसका बेटा है, लेकिन उसकी माँ उसकी वजह से अपनी ऐशो आराम वाली जिंदगी में कोई खलल नहीं पड़ने देना चाहती थी। वो उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती और जैसन यहाँ से भी मायूस होकर चला जाता है। जिंदगी में आज पहली बार उसने लोगों के असली चेहरे देखे थे। अगले दिन एक स्विमिंग पूल के किनारे एक बेंच पर जैसन की आंख उस वक्त खुलती है जब क्लीनर उसे भिखारी समझकर यहाँ से भगाती है। अब वो एक पब्लिक पार्क में पड़ी बेंच पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन पागल जैसा दिखने वाला एक आदमी उसे अपनी बेंच बताता है। जैसन उससे भी अपने उसी घमंडी अंदाज में बात करता है और बेंच छोड़ने से मना कर देता है। अब वो आदमी इस बेंच का फैसला सिक्का उछाल कर करने की बात कहता है, लेकिन दोनों में से किसी के पास कोई पैसा नहीं था। तभी एक छोटी लड़की आकर उन्हें उछालने के लिए एक सिक्का दे देती है। उस लड़की का नाम एमिली होता है, लेकिन जैसे ही जैसन सिक्का उछालता है वो आदमी उसे हवा में ही पकड़कर वहां से भाग जाता है। जैसन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से बेंच पर लेट जाता है। एमिली उससे बात करने की कोशिश करती है और उससे फ्रेंडशिप करना चाहती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और उससे बात नहीं करता। इतनी देर में एमिली की मॉम उसे आवाज देती हुई वहां आ जाती है और उसे वहां से ले जाने लगती है। तभी जैसन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस छोटी लड़की से दोस्ती करके उसे मिस्टर हैमिल्टन के सामने ले जाने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसके अगले टेस्ट के मुताबिक उसे महीने के आखिर में एक सच्चे दोस्त के साथ लौटना था। लेकिन एमिली अब उससे बात नहीं करती और वहां से चली जाती है। अब जैसन पूरा महीना सड़कों पर गुजारता है। इस बीच कभी कभी वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी चुपके से देखने जाता था, जो उसे धोखा दे रही थी। महीने के आखिरी दिन वो पागल जैसा दिखने वाला आदमी एमिली और उसकी मोम को परेशान करने लगता है। जैसन उसे बेंच का लालच देकर उनके पास से हटा देता है और आज जैसन को एमिली और उसकी मोम से बात करने का मौका मिल जाता है। एमिली की मोम का नाम एलेक्सिया था और वो एक सिंगल मदर थी। वो उन्हें असली बात बताता है और साथ ही ये भी कहता है कि वो उनसे कोई वादा नहीं कर सकता। अब वो एमिली को अपने साथ मिस्टर हैमिल्टन के सामने ले जाता है, जहां एमिली उनसे कहती है कि वो जैसन की बेस्ट फ्रेंड है। वो कॉन्फिडेंस के साथ उनके सभी सवालों के जवाब देती है और कहती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी जैसन की फ्रेंड बनकर गुजारना चाहती है। एमिली ये बात पूरे दिल से कह रही थी, क्योंकि वो सच में जैसन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगी थी। आखिर मिस्टर हैमिल्टन को ये मानना ही पड़ता है कि वो जैसन की बेस्ट फ्रेंड है और जैसन अपने बेस्ट फ्रेंड वाले टेस्ट में पास हो जाता है। बाहर आकर एमिली अगले दिन जैसन से उसी पार्क में मिलने का प्लान बनाने लगती है, लेकिन जैसन उनसे बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। जाते हुए वो उनसे एक थैंक यू तक नहीं बोलता।
एमिली और उसकी मॉम को उसका ये बर्ताव देखकर बहुत बुरा फील होता है और वो दोनों भी वहाँ से चली जाती हैं। अब मिस्टर हैमिल्टन के ऑफिस में जेसन को रेड की अगली वीडियो क्लिप चलाकर दिखाई जाती है, जिसमें वो उससे कहते हैं कि पैसा उसके लिए ऐसे मौजूद था जैसे सांस लेने के लिए हवा, इसलिए उसे कभी पैसे की असली वैल्यू पता नहीं लग सकी। उसने हमेशा पैसों को अपनी अय्याशियों पर ही खर्च किया। मिस्टर हैमिल्टन उसे $1,500 का एक पेचेक देते हैं जो टेक्सास में किए गए उसके काम के बदले में उसे मिला था। अब अपने अगले टेस्ट में उसे इन पैसों को किसी ऐसे आदमी के ऊपर खर्च करना होगा जिसे उन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत हो। जैसन पूछता है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि उसने ये पैसे कहाँ खर्च किए। मिस्टर हैमिल्टन सिर्फ इतना ही कहते हैं कि उन्हें सब पता रहता है। अब जैसन यहाँ से उसी पार्क में चला जाता है और कुछ पैसे उस पागल से दिखने वाले आदमी को देना चाहता है, लेकिन वो आदमी उसे देखकर भाग जाता है और वहाँ एक पर्स छोड़ जाता है। जैसन पर्स को उठाकर देखता है तो ये एलेक्सिया का होता है। इस पर्स में $1,600 के हॉस्पिटल के बिल की एक स्लिप भी होती है जो एलेक्सिया ने अभी तक पे नहीं किया था। जैसन पर्स लेकर हॉस्पिटल जाता है और चुपचाप उसे एमिली के बेड के पास रखकर वापस जाने लगता है। तभी सामने से एमिली की माँ एलेक्सिया आ जाती है। जैसन वो पैसे एलेक्सिया को देना चाहता है, लेकिन वो ये पैसे इसलिए नहीं लेती कि वो फिर से उसे और उसकी बेटी को एक गेम की तरह इस्तेमाल करेगा। ये कहकर एलेक्सिया एमिली के रूम की ओर चली जाती है। यहाँ एक मजे की बात होती है कि मिस्टर हैमिल्टन ने जिस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को जैसन पर नजर रखने के लिए भेजा था वो उसे पहचान लेता है और उसे वो $1,500 देकर कहता है कि इनसे एमिली का बिल भर देना। इसके बाद वो मिस्टर हैमिल्टन के पास आकर अपने अगले टेस्ट के बारे में पूछता है। उसका अगला टेस्ट होता है थैंक्सगिविंग फेस्टिवल पे पूरे स्टीवन परिवार के साथ बैठकर ये देखना कि वसीयत के बाद से अब तक उनमें कोई बदलाव आया है या नहीं। थैंक्सगिविंग फेस्टिवल के अभी कई दिन थे। अब जैसन हॉस्पिटल के चर्च में एमिली से मिलता है। यहाँ वो दोनों बहुत सारी अच्छी बातें करते हैं। एमिली को लगता है कि जैसन और उसकी मॉम एक दूसरे के लिए बने हैं। वो जैसन से कहती है कि अगर वो उसकी मॉम को किस करेगा तो उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। उसकी बात सुनकर जैसन मुस्कुराने लगता है। हॉस्पिटल में एलेक्सिया को पता चलता है कि एमिली अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये सुनकर एलेक्सिया टूट जाती है। जैसन ये देखकर उसके पास आ जाता है और एलेक्सिया उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगती है। बाद में दोनों हॉस्पिटल के कैफे में बैठकर बातें करते हैं। एलेक्सिया उसे थैंक्स कहती है क्योंकि वो समझ गई थी कि उसका हॉस्पिटल का बिल जैसन ने ही पे किया था। जैसन उसे अपने साथ थैंक्सगिविंग पर इनवाइट करता है, लेकिन एलेक्सिया मना कर देती है क्योंकि ऐसी कंडीशन में उसे एमिली के साथ ही रहना होगा। जब एमिली को ये पता चलता है कि जैसन ने उसे इनवाइट किया है तो वो उसे उसके साथ भेज देती है क्योंकि वो उन्हें करीब लाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। जैसन एलेक्सिया को लेकर अपनी फैमिली के साथ थैंक्सगिविंग फेस्टिवल में शामिल होने के लिए पहुंच जाता है। खाने की टेबल पर सभी लोग वसीयत की बात करके एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए थे। जैसन के अंकल आंटी से मिलकर एलेक्सिया हैरान थी कि उन सभी लोगों के अंदर किस कदर लालच भरा हुआ था। यहाँ तक कि वो अपने मरे हुए बाप के बारे में भी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे क्योंकि अपनी वसीयत में उनके बाप ने उनके लिए कुछ खास नहीं छोड़ा था। अब यहाँ ये सवाल उठने लगता है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आखिर किसके हिस्से में आई है। उन सबको जैसन के ऊपर शक होने लगता है और वो उससे बहस करने लगते हैं, लेकिन जैसन उनसे कुछ नहीं कहता और एलेक्सिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। एलेक्सिया को लगता था कि जैसन उन सबके जैसा नहीं है, लेकिन जैसन भी उससे कहता है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है और पैसे के बिना इंसान कुछ भी नहीं। उसकी ये बातें सुनकर एलेक्सिया को लगता है कि जैसन वो इंसान नहीं है जिसे वो पसंद करने लगी थी। वो उससे ये कहकर चली जाती है कि उसके $1,600 वो जल्दी ही लौटा देगी जिनसे उसने उसका हॉस्पिटल का बिल भरा था। जैसन बस उसे खड़ा देखता रह जाता है। अब जैसन को अगले टेस्ट के लिए यहाँ से काफ़ी दूर साउथ अमेरिका के एक गांव में एक लाइब्रेरी में काम करना था। जाने से पहले वो एलेक्सिया से कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। तब एमिली उससे पीछे से कहती है कि वो क्रिसमस पर उसके लौटने का इंतजार करेंगे। अब जैसन को एक प्राइवेट प्लेन से साउथ अमेरिका के उस गाँव में पहुँचा दिया जाता है। एक दिन लाइब्रेरी में काम करते हुए एक आदमी आकर उससे कहता है कि वो उस रात वहीं था जहाँ उसके फादर की मौत हुई थी, लेकिन वो जैसन को वहाँ ले जाने से मना कर देता है जहाँ उसके फादर का प्लेन क्रैश हुआ था। वो कहता है कि वहाँ लुटेरों का एक गैंग रहता है, इसलिए वो अपनी जिंदगी का रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन जैसन अकेला ही उस जगह को देखने के लिए निकल जाता है। तभी वो देखता है कि वो आदमी पीछे से उसकी गाड़ी में चढ़ गया था। वहाँ पहुंचकर जैसन कुछ देर के लिए अपने फादर की यादों से जुड़ जाता है। तभी लुटेरों का गैंग आकर उन्हें पकड़ लेता है और फिरौती के लिए उन्हें एक जगह बंद कर देते हैं। इधर एलेक्सिया मिस्टर हैमिल्टन की सेक्रेटरी से जैसन के बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें भी जैसन की कोई खबर नहीं मिल रही थी क्योंकि जैसन वहाँ किसी से भी बताकर नहीं गया था। अब उन्हें कई हफ्ते उन लुटेरों की कैद में बीत जाते हैं और जैसन यहाँ से निकलने की सारी उम्मीद खो देता है। एक दिन उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें कैद खाने से बाहर लाया जाता है। अचानक वो लोग हवा में गोली चलाने लगते हैं और आपस में मैरी क्रिसमस कहने लगते हैं।
दरअसल ये उनके क्रिसमस मनाने का अंदाज था। वो अब उनकी आंखों की पट्टी खोल देते हैं, लेकिन जैसन इससे बुरी तरह डर गया था। लुटेरों का लीडर अब कहता है कि कल उन्हें मार दिया जाएगा और उन्हें फिर से कैद में डाल दिया जाता है। अब जैसन कैद से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि आज उसने मौत को बिल्कुल करीब से महसूस किया था। उसकी किस्मत अच्छी थी जो आज किसी ने उसका दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था। वो कैद खाने से बाहर निकलकर बस भागता ही जाता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता। लेकिन एक जगह आकर वो अचानक रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि जो आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर उसे यहाँ लेकर आया था, वो उसे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। वापस जाकर वो पहरेदार के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और उस आदमी को अपने साथ लेकर भागने लगता है। पीछे से लगातार उन्हें ढूंढने और गोली चलने की आवाजें आती रहती हैं, लेकिन जैसन उस आदमी को साथ लेकर बस भागता ही रहता है और बचकर वहां से निकल जाता है। अब यहां से वापसी में जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है तो एलेक्सिया उसका इंतजार कर रही होती है। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वो प्रॉमिस करता है कि अगले साल क्रिसमस वो साथ में मनाएंगे, लेकिन एलेक्सिया कहती है कि अब कोई अगला साल नहीं आएगा। जैसन समझ जाता है कि वो एमिली की वजह से ऐसा कह रही थी, क्योंकि ल्यूकीमिया की वजह से एमिली अब कुछ दिनों की मेहमान थी। अब वो हॉस्पिटल में एमिली से मिलने जाता है, जो बहुत उदास और कमजोर लग रही थी। वो उसके क्रिसमस पर ना आने से नाराज थी। जैसन प्यार से उसके गाल पर किस करता है और कहता है कि वो उसे बहुत याद करता था। एमिली अब उससे कहती है कि वो क्रिसमस पर हॉर्स राइडिंग करना चाहती थी। जैसन उससे कहना चाहता था कि उसे कुछ वक्त चाहिए, लेकिन एमिली उसे बीच में ही रोककर कमजोर आवाज से कहती है कि उसे हॉर्स राइडिंग के लिए अभी जाना है। अब जैसन मिस्टर हैमिल्टन को कॉल करके प्राइवेट जेट के लिए रिक्वेस्ट करता है। मिस्टर हैमिल्टन उसे मना करने लगते हैं, लेकिन उनकी सेक्रेटरी उनकी बात को बीच में रोककर उसके लिए प्राइवेट जेट का इंतजाम कर देती है। अब जैसन एमिली और एलेक्सिया को लेकर टेक्सास जाता है, जहां गस ने अपना घर क्रिसमस लाइट से सजा रखा था। एमिली यहां आकर बहुत खुश थी। यहां आकर जैसन को यह पता चलता है कि एमिली को हॉर्स राइडिंग पसंद ही नहीं थी। ये सब उसने अपनी मॉम के लिए किया था, क्योंकि हॉर्स राइडिंग उसकी मॉम एलेक्सिया का ड्रीम था। अगले दिन तीनों गस के साथ हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं। जैसन एलेक्सिया के साथ घोड़े से उतरता है और उससे कहता है कि एमिली की खातिर उसे कुछ करना होगा, और वह एलेक्सिया को किस करता है। गस और एमिली उनकी अजीब सी लव स्टोरी को परवान चढ़ता देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अगली रिकॉर्डिंग में रेड जैसन से उसका कोई ड्रीम पूछते हैं जिसे वो पूरा करना चाहता हो। उस रात जैसन एमिली से बात करता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि उसका ड्रीम क्या है। अब से पहले तो वो सिर्फ मौज मस्ती करना चाहता था। हैमिल्टन के ऑफिस में जैसन कहता है कि वो नहीं जानता कि उसका ड्रीम क्या है, लेकिन वो दूसरों के ड्रीम पूरे करना चाहता है। मिस्टर हैमिल्टन उसे बताते हैं कि उसके ग्रैंडफादर ने उससे जैसे जवाब की उम्मीद की थी, उसने बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया है। इसलिए उसे $100 मिलियन का एक चेक दिया जाता है। इस अमाउंट को वो जैसे चाहे खर्च कर सकता था। जैसन अपने ड्रीम को हकीकत में बदलने के लिए पूरी मेहनत से लग जाता है। वो एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहता है जिसमें सीरियस बीमारियों का इलाज करा रहे बच्चों के पेरेंट्स के रहने के लिए एक कॉम्प्लेक्स भी होगा। साथ ही उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए एक एम्प्लॉयमेंट सेंटर भी बनाया जाएगा, जो उन्हें पार्ट टाइम जॉब दिलवाने में मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट को $350 मिलियन के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। वो मिस्टर हैमिल्टन समेत सभी इन्वेस्टर्स को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार कर लेता है। मीटिंग के बीच में ही एलेक्सिया के फोन पर एक कॉल आता है, जिसके बाद वो तुरंत वहां से बाहर निकल जाती है। जैसन उसके पीछे हॉस्पिटल जाता है, जहां वो एमिली के रूम में एलेक्सिया के रोने की आवाज सुनता है। वो समझ जाता है कि एमिली अब इस दुनिया में नहीं रही। वो दोनों कई दिन तक एमिली को याद करके रोते रहते हैं। वो एलेक्सिया के साथ अपने हॉस्पिटल की फाउंडेशन रखता है, जिसका नाम उसने एमिली के नाम पर रखा होता है। अब मिस्टर हैमिल्टन उसे अपने ऑफिस बुलाकर उसके ग्रैंडफादर का फाइनल मैसेज दिखाते हैं, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि वो जैसन से कितना प्यार करते थे। शायद इसीलिए उन्होंने उसे इन टेस्ट के जरिए एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश की, और वो इसमें कामयाब भी रहे। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही जैसन इमोशनल होकर कहता है कि वो भी उनसे बहुत प्यार करता है। इसके बाद मिस्टर हैमिल्टन एक वसीयत पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसके मुताबिक जैसन को उसके ग्रैंडफादर रेड स्टीवंस की $2 बिलियन की कंपनी का मालिक बनाया गया था। जैसन हैरान रह जाता है और कुछ देर के लिए उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। अब मिस्टर हैमिल्टन रेड को याद करते हैं। इसके बाद वो रिटायर होने का फैसला करते हैं। आखिर में जैसन और एलेक्सिया को एक साथ दिखाया जाता है, और ये कहानी यहीं एंड हो जाती है।